बॉयल करने। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो रसमलाई का जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ रसमलाई के लिए मैंने लिए है 2 अंडे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे, और ये लिए 2 पैकेट रसमलाई, ठीक है, और ये है दूध, ठीक है। मैंने पैकेट वाली ली है, दूध बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा दूध, मतलब कुछ ही आधा और भी पकेगा। अभी इसमें मैंने शुगर भी मिक्स करनी है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ चीनी भी। चीनी अभी मैंने नहीं डाली तो मैं इसमें डालूँगी चीनी, पर पहले जो है ना इसमें मुझे डालना है थोड़ा सा ऑयल ताकि ये सॉफ्ट बने। तो इतना मैंने ऑयल डाल दिया और ये एग, अब इनको मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और अब इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा एग डालेंगे क्योंकि अगर ये सॉफ्ट हो गया ना डो जो हम बना रहे, तो फिर इससे जो आप राउंड राउंड शेप के रसमलाई बनाएंगे ना वो अच्छे से बनेगी नहीं, बहुत सॉफ्ट होने के बाद, और मज़े की भी नहीं, और बहुत हार्ड भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके राउंड बॉल्स, आपके जो गोले हैं ना बॉल्स, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे तो रसमलाई भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। सो फाइनली हमारे डो की शक्ल कुछ इस तरीके से है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे, देखें इस तरीके से छोटे छोटे आपने बॉल्स बनाने हैं, जितने बड़े भी आपको रखने हैं छोटे भी, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि आपकी शेप परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और सीधे ही मैं इसमें डाल रही हूँ, ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं बॉयल होने के बाद, ठीक है। मैं 1-2 आपको बना देती हूँ, फिर जब सारे बन जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने रसमलाई में सारे बॉल्स डाल दिए हैं, और ये 2 पैकेट की रसमलाई है। अब ये धीरे धीरे फूल जाएगी, आप देख सकते हैं कि मैंने जो राउंड बनाए थे कितने छोटे बनाए थे, और ये अब इस तरीके से हो गए हैं। अब इसको हम तकरीबन आधा घंटा बनाएंगे तो दूध भी पहले से कम हो जाएगा, बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा। दूध में मैंने चीनी डाल दी थी, ठीक है। अब इसको मैं 20 मिनट से 25 मिनट बनाऊँगी और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो यहाँ हमारी रसमलाई भी रेडी हो गई है, ये देखिए, ये पिस्ता रसमलाई है, ये ग्रीन कलर की है, कितना मज़ेदार शक्ल के साथ ये रेडी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर किसी को नट्स वगैरह डालने हैं तो आप डाल सकते हो, बट मैं भी देखती हूँ, बट मुझे नट्स के बगैर भी अच्छा लगता है, और नट्स के साथ भी, तो मैं थोड़े से नट्स कूट के इसके ऊपर डाल देती हूँ।